अपने होटल बिजनेस को कंप्यूटराइज करें होटल ईआरपी सॉफ्टवेयर से, जिसके साथ आपको बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज इनबिल्ट मिलेंगी, जैसे रूम बुकिंग, चेक इन, चेकआउट, हॉल बुकिंग, रूम सर्विस, कंप्लीट स्टॉक मैनेजमेंट, डिस्काउंट पैकेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद डे बुक। होटल ईआरपी सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा, जैसे रूम डैशबोर्ड, स्टे व्यू रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट, नाइट ऑडिट रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट की सारी रिपोर्ट्स, जैसे B2B सेल्स, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, एक्सपेंस वाउचर, रिवर्स चार्ज एंट्री, HSN-wise समरी, सब कुछ ऑटोमेटिकली रेडी होगा। व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू आप अपने कस्टमर को रूम बुकिंग टाइम, चेक इन टाइम, चेकआउट के टाइम पे बिल का PDF सेंड कर सकते हो। होटल ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ आप यूजर वाइज परमिशन भी सेट कर सकते हो, ताकि आपका ऑपरेटर सिर्फ एंट्री कर सके, मॉडिफाई या डिलीट ना कर सके। अगर ऑपरेटर के थ्रू कोई चेंजेस होती भी है तो उसकी भी रिपोर्ट आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलेगी। होटल ईआरपी सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत ही आसान है। इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले हम होटल ईआरपी आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि होटल ईआरपी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। सबसे पहले हम क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करेंगे और कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम फर्म का नाम टाइप करेंगे, जैसे मिडवे होटल। इसके बाद एड्रेस एंटर कर देंगे, इसके बाद हम सिटी एंटर करेंगे, देन पेन कोड एंटर कर देंगे, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको बाद में भी फिल कर सकते हो। इसके बाद आपने नेचर ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ आपने होटल को सिलेक्ट करना है और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को अनटिक कर देना है। देन क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देना है तो आपकी जो फर्म है वो रेडी हो गई है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड डेमो के लिए हमने 1 एंटर कर रखा है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो वो भी आप बाद में चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि होटल ईआरपी सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया है। सबसे पहले हम मास्टर में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पैकेज क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्मल पैकेज दिया हुआ है, हम यहाँ पे और भी पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि समर पैकेज, विंटर पैकेज, फैमिली पैकेज। इसी तरह हम मल्टीपल पैकेज होटल ईआरपी सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम रूम टाइप क्रिएट करेंगे, जैसे कि AC रूम, देन एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम पैकेज वाइज चार्जेस एंटर करेंगे, जैसे कि फैमिली पैकेज, जहाँ पे जैसे 1200 एंटर कर दिया, उसके ऊपर कितना GST है वो हम एंटर कर देंगे, जैसे कि 12% है। अगर कोई डिस्काउंट आपने यहाँ पे पहले से ही रखना तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हो। सपोज करो जैसे हम 5% डिस्काउंट एंटर कर देते हैं। इसी तरह अगर नॉर्मल पैकेज है उसका जैसे 800 यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो इसका भी 12% GST है। समर पैकेज है उसका हम 1500 रुपए एंटर कर देते हैं। विंटर पैकेज जैसे कि हमने 2000 रुपए एंटर कर दिया। ऐसे करके आप पैकेज वाइज मल्टीपल रेट मेंटेन कर सकते हो। इसी तरह हम नॉन AC रूम क्रिएट कर देते हैं। इसका सपोज करो 800 रुपीज चार्जेस है, इसका 700 रुपीज चार्जेस है, समर का 1200 रुपीज चार्ज है, विंटर का 1500 रुपए चार्ज है। इसी तरह आप मल्टीपल रूम टाइप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम रूम नंबरिंग एंटर करेंगे। इसके लिए हम रूम मीनू को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रूम नंबर एंटर करेंगे, जैसे 101। उसके बाद हम रूम टाइप सिलेक्ट करेंगे कि AC है या नॉन AC है। अगर AC है तो हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन। अगर AC रूम में कोई स्पेसिफिक फैसिलिटी है तो वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो और डायरेक्ट इसको सेव कर सकते हो। इसी तरह हम नेक्स्ट रूम को एंटर करेंगे। तो ऐसे करके आप मल्टीपल रूम क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ सर्विसेज ऐड करेंगे, जैसे लॉन्ड्री सर्विस, पूल चार्जेस, कैब बुकिंग। ऐसे करके आप मल्टीपल सर्विसेज को एंटर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि होटल ईआरपी का मास्टर रेडी हो गया है। इसके बाद हम एंट्री में जाएंगे। सबसे पहले हम कस्टमर की बुकिंग करेंगे, तो इसके लिए रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो रिजर्वेशन वाली विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एंटर दबाएंगे, देन बुकिंग नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम कस्टमर का नेम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से जो भी टाइटल आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसके बाद फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। ऐसे करके आप कस्टमर की डिटेल एंटर करके इसको सबमिट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको पैकेज शो हो रहा होगा। इस पैकेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको रूम चार्जेस शो करेंगे। जैसे कि हम फैमिली पैकेज के ऊपर एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेट शो हो रहे हैं, जैसे AC रूम का 1200 रुपए, नॉन AC का 800 रुपए। अगर हम पैकेज को चेंज कर देते हैं, जैसे नॉर्मल पे हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका प्राइस था ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो इसी तरह आप पैकेज के अकॉर्डिंग रेट की वेरिएशन कर सकते हो। अभी हम जैसे नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला प्राइस आ रहा है। इसके बाद अगर आप किसी कंपनी के थ्रू आए हो तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है बिजनेस सोर्स, कि आपको इस होटल के बारे में कैसे
कैसे पता चला, डायरेक्ट आए हो या किसी गाइड के थ्रू आए हो, जस्ट डायल के थ्रू आए हो, मेक माई ट्रिप के थ्रू आए हो, ओयो रूम के थ्रू आए हो, ट्रैवल एजेंट के थ्रू आए हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद कस्टमर का आप मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो, देन कस्टमर का एड्रेस टाइप करोगे, सिटी टाइप करोगे, उसकी अगर ईमेल आईडी है वो भी आप एंटर कर दोगे। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट वाली विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ कस्टमर से ले सकते हैं। एंटर करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हम विजिट डेट एंटर करेंगे, जैसे विजिटर 15 मार्च को आ रहा है तो हम यहाँ पे वो डेट एंटर कर देंगे। इसके बाद हम डेज एंटर करेंगे, कितने दिन के लिए कस्टमर हमारे पास विजिट कर रहा है, सपोज करो 2 डे एंटर कर देते हैं। इसके बाद कस्टमर की डिटेल एंटर करेंगे, सपोज करो एक जेंट्स है, एक लेडी है और एक चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पे 1-1 एंटर करके रूम को सिलेक्ट करेंगे, कौन सा रूम आपने कस्टमर को इशू करना है। तो जैसे कि 101 है, आपने रूम सिलेक्ट करके सिंपली सेव कर देना है, और इसका अगर प्रिंट आउट देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। अभी हम चेक इन की एंट्री करेंगे। चेक इन करने के लिए हम जहाँ चेक इन पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो कि चेक इन वाली विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले हम डेट को चेंज करेंगे, इसके बाद हम रिजर्वेशन वाली टाइप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे जिस पर्सन का हमने बुकिंग किया था वो शो हो रहा है। इस पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली इसकी सारी डिटेल एंटर हो गई है। अगर आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रूम सिलेक्ट हो गया है, तो इसको आप सिंपली सेव कर दोगे। सेव करने के बाद इसका जो प्रिंट आउट है वो ऐसे आ जाएगा। अगर आप इसको कस्टमर को देना चाहते हो तो आप प्रिंट करके दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे आप सेव करके क्लोज कर सकते हो। जैसे हमने चेक इन की एंट्री की तो आप इसका रूम डैशबोर्ड भी चेक कर सकते हो कि आपके पास टोटल 4 रूम है, तो उसमें से जो 101 वाला रूम है वो अभी ऑक्यूपाइड है, बाकी जो रूम है वो वैकेंट है। तो ऐसे करके आप रूम डैशबोर्ड भी चेक कर सकते हो। अगर आपका कस्टमर एडवांस में पे करना चाहता है तो उसकी भी हम अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए एडवांस रेंट परसेप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी कस्टमर ने हमारे पास विजिट किया होगा वो यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। सपोज करो 500 हम एडवांस में लेना चाहते हैं, वो भी आप ले सकते हो। इसी के साथ अगर आप कस्टमर की कोई एक्स्ट्रा सर्विस भी ऐड करना चाहते हो वो भी अपने सॉफ्टवेयर में इजीली तरीके से कर सकते हो। इसके लिए आप डेली चार्जेस में जाओगे, इस पे न्यू पे क्लिक करोगे, सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, उसके बाद रूम नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल सर्विस टाइप शो कर रही है, सपोज करो जैसे लॉन्ड्री का चार्जेस पे कर रहा है कस्टमर, तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है। इसी तरह अगर कोई और सर्विस एंटर करनी है जैसे कैब बुकिंग, इसकी भी हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने कस्टमर की डेली चार्जेस की एंट्री कर सकते हो। जैसे ही हमने चेक इन की एंट्री की तो मल्टीपल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जैसे हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे है स्टे व्यू रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 3 डे के लिए यहाँ पे कौन कौन पर्सन आया है, 7 डे के लिए कौन कौन आया है, 15 डे के लिए कौन आया है और 30 डे के लिए कौन आया है। वो सारी डिटेल आप यहाँ पे इजिली तरीके से चेक कर सकते हो। अगर इसका आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो भी आप इजिली तरीके से कर सकते हो। इसके बाद हम कस्टमर की चेकआउट की एंट्री करेंगे, तो इसके लिए चेकआउट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम डेट चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आप कस्टमर को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर है वो भी आप चेकआउट के टाइम पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर की अराइवल डेट शो हो रही है, अगर आपने इसका कोई चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे इजिली तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डे शो कर रहा है, 1 डे का रेंट 800 है, रूम रेंट टोटल 1600 है। इसके बाद इसके ऊपर जो टैक्स 12% जीएसटी कैलकुलेट हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि कस्टमर ने कुछ एक्स्ट्रा सर्विस ली थी उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है। उसके बाद टोटल बिल यहाँ पे शो कर रहा है, जो आपने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री की थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नेट पेएबल अमाउंट ये वाला है, तो इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हो, जैसे लॉन्ड्री सर्विस, कैब सर्विस, रूम रेंट, पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा चेक कर सकते हो। आप इस इनवॉइस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करवा सकते हो, वो आप हमारी टीम से करवा सकते हो। जैसे ही आपने चेकआउट की एंट्री की तो आप इसके साथ मल्टीपल रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इसके लिए हम सबसे पहले रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में सबसे पहले आप यूजर वाइज रिपोर्ट चेक करोगे, तो आप देख सकते हो कि यूजर 1 से कब किस टाइम पे लॉग इन हुआ था वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद हम एडवांस रिसिप्ट रजिस्टर को चेक करेंगे, जो हमने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री की थी। यहाँ
पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एंट्री एडवांस रिसिप्ट की है। इसके बाद हम लॉन्ड्री की रिपोर्ट चेक करेंगे। जैसे डर्टी रूम लिस्ट चेक करना चाहते हो तो आप वो भी आप यहाँ पे इजीली तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ कि बेडशीट क्लीन करने वाली है, तो हम इसको सिलेक्ट करके क्लीन सिलेक्टेड रूम पे क्लिक करेंगे। ये क्लीन हो चुकी है तो अभी हम ये रूम दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। इसके बाद हम रूम रेंट बिल रजिस्टर चेक करेंगे, तो आप देख सकते हो जो आपने चेकआउट किया है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद हम रेंट समरी चेक करेंगे कि आपने कितना रेंट और कितना जीएसटी चार्ज किया है, उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद हम पैकेज परफॉर्मेंस रिपोर्ट चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप पैकेज वाइज चेक करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, अगर आप ऑल पैकेज को सिलेक्ट करके चेक करना चाहते हो वो भी आप इजिली तरीके से कर सकते हो। जैसे हमने नॉर्मल सिलेक्ट किया था, अभी यहाँ पे नॉर्मल का शो कर रहा है। इसके बाद आपने बिजनेस सोर्स रिपोर्ट चेक करनी है कि आपको इस होटल के बारे में कैसे पता चला, उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे आप सर्च फिल्टर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। इसके बाद हम रूम टाइप रजिस्टर चेक करेंगे। जैसे कि हमने सिर्फ एसी रूम की एंट्री की थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप नॉन एसी की या कोई डीलक्स रूम आपका होगा तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिकली आएगी। इसके बाद अगर आपने गेस्ट लिस्ट चेक करनी है तो उसकी भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद हम नाइट ऑडिटर रिपोर्ट चेक करेंगे, तो ऐसे करके सारी कस्टमर की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। इसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट चेक करनी है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सन का नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, कितने पर्सन यहाँ पे आए हुए थे वो आ रहा है, कब आए थे, उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही है, तो इसका आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। इसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग चेक करेंगे। जैसे कि बैलेंस शीट चेक कर सकते हो तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट की आपको एक मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की कितना आपके पास स्टॉक अवेलेबल है वो सारा यहाँ पे आप दे सकते हो। देन डे बुक चेक कर सकते हो आप कि आपके पास एक दिन में कितना पेमेंट आया, कितना गया और किस किस का आपने चेकआउट किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी तरह आप लॉग बुक चेक कर सकते हो। लॉग बुक में आप सेल्स देख सकते हो कि आपने कितनी सेल की हुई है, उसकी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो, टी लेजर चेक करना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, हैंडी लेजर हो गया, मंथली समरी चेक करना चाहते हो वो सारी डिटेल यहाँ पे आप लॉग बुक में चेक कर सकते हो। इसी के साथ जीएसटी रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में मैनेज होगी। उसको हम अलग अलग जीएसटी चेक कर सकते हो, जैसे जीएसटी R1 सेल के लिए होता है, जीएसटी R2, जीएसटी R3 भी, जीएसटी R4, जीएसटी समरी। जैसे हम जीएसटी R1 चेक करते हैं, सबसे पहले हम B2B सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी जस्ट हमने B2C कस्टमर की एंट्री की है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने HSN कोड वाइज रिपोर्ट चेक करनी है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ऐसे करके आप जीएसटी रिपोर्ट की सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। इसके बाद हम हॉल बुकिंग की एंट्री करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मास्टर में हम हॉल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नाम एंटर कर देंगे, जैसे ऑडिटोरियम, इसकी कितनी कैपेसिटी है, सपोज करो 400 पर्सन की कैपेसिटी है, कितना आप चार्ज लेते हो, सपोज करो 12,000, तो वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद हम एंट्रीज में जाएंगे और हॉल बुकिंग को सिलेक्ट करेंगे, देन न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम किस डेट से किस डेट तक बुकिंग करनी है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद कस्टमर का नेम एंटर कर देंगे, कस्टमर का एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर अगर है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद हॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम टाइप एंटर करेंगे, सपोज करो मीटिंग है तो हम यहाँ पे मीटिंग एंटर कर देंगे। उसके बाद डेकोरेटिव टाइप क्या है, अलग अलग जैसे नॉर्मल है। उसके बाद आपने चार्ज जैसे पर हेड के अकॉर्डिंग करना है वो भी आप कर सकते हो, अगर कोई आपने पर प्लेट के अकॉर्डिंग करना तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। देन गेस्ट काउंट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कितने आपके गेस्ट आएंगे, 250 गेस्ट आएंगे, पर गेस्ट यहाँ पे रेट डिफाइन कर देंगे, सपोज करो 100 रुपीज है तो यहाँ पे आप दे सकते हो, इसकी अमाउंट शो हो रही है। अगर डेकोरेशन का कोई आपने यहाँ पे चार्ज एंटर करना है वो भी आप एंटर कर सकते हो, जैसे 2000। केटरिंग का आपने एंटर करना है वो भी आप एंटर कर सकते हो। तो ऐसे करके अगर कोई रिमार्क्स एंटर करना है वो भी आप डाल सकते हो। इसके साथ अगर आपने आइटम एंटर करनी है वो भी आप एंटर कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे F3 प्रेस किया हमने। ऐसे करके आप मल्टीपल आइटम क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे अभी हम एक आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद रेट को सिलेक्ट करेंगे, तो आप इसके साथ आइटम भी एंटर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हॉल प्लस फूड अमाउंट कितना हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। सपोज करो हमने यहाँ पे 2000 का डिस्काउंट दे दिया, इसके बाद कितने परसेंट जीएसटी इस पे कैलकुलेट होगा वो भी आप दे सकते हो। इसका सपोज करो 12% है तो इसका ऑटोमेटिकली एसजीएसटी सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया है। अगर आपने कोई एडवांस यहाँ पे पेमेंट लेनी है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, सपोज करो 15,000 एडवांस वो आप लेके यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। तो ऐसे करके आप होटल ERP सॉफ्टवेयर में हॉल बुकिंग कर सकते हो। तो इसका ऐसे प्रिंट आउट आ जाएगा।
इसके बाद हम स्टॉक को परचेज करेंगे, तो इसके लिए हम परचेज पे क्लिक करेंगे। अगर आप कैश परचेज कर रहे हो तो हम इसको कैश ही रहने देते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट रेट B2B है तो बेल नंबर एंटर कर देंगे। अभी हमारे पास जैसे ये पनीर का आइटम बना हुआ है तो इसको हम परचेज करना है, 500 पीस आपने परचेज करना है 150 के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। इसमें से अगर कोई आपने डिस्काउंट एंटर करना है तो आप इसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद कोई ट्रांसपोर्ट का आपने नंबर एंटर करना है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कोई अटैचमेंट डालने वो कर सकते हो। इसको सिंपली आप सेव कर सकते हो। इसके बाद हम स्टॉक को इशू और रिसीव करेंगे। सपोज करो हम किसी को इशू करना चाहते हैं तो हम स्टॉक इशू को ओपन करेंगे। यहाँ ये पार्टी है तो इसको हम इशू करेंगे। सपोज करो आपने 15 kg पनीर को इशू करना है तो वो आप यहाँ पे इशू कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने स्टॉक रिसीव की एंट्री करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने विदाउट इन्वेंटरी GST की एंट्री करनी है वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए हम GST वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे हम पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे सपोज करो टोटल सेल एंटर करनी है, यहाँ पे HSN कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद टोटल सेल 12% की एंटर करनी है तो वो हम यहाँ पे एंटर करके इसको सेव कर सकते हो। तो ऐसे करके विदाउट इन्वेंटरी एंट्री भी आप होटल ERP सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो उसकी एंट्री कर सकते हो, जैसे क्विक पेमेंट के थ्रू आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे सपोज करो 10,000 आपने रिसीव करना है तो वो आप इजिली तरीके से कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने बैंक एंट्री करनी है तो वो भी आप होटल ERP सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। जैसे किसी को चेक इशू करना है, चेक रिसीव करना है, कोई कैश जमा करवाना है, कैश बैंक से लेना है, वो आप यहाँ पे सारी एंट्री कर सकते हो। सपोज करो कैश को जमा करवाना है तो उसके लिए कैश की हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो ऐसे करके आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हो। इसी के साथ आप इसकी रिपोर्ट भी अलग अलग चेक कर सकते हो। जैसे क्विक पेमेंट रजिस्टर है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। क्विक रिसिप्ट रजिस्टर को अगर चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद बैंक रिकंसिलेशन रिपोर्ट अगर चेक करना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि कितना आपके पास यहाँ पे कैश जमा हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो देखा आपने, बहुत ही इजी है होटल ERP सॉफ्टवेयर में ये सारी एंट्री करना। आशा करते हैं कि आपको ये सारी एंट्री इजीली तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमारी इंस्टाग्राम ID पे DM कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।